अभी अभी हमारे मंच संचालक क्या कह रहे थे कि यहाँ कथा होती है वहां पर हनुमान जी तो रहते ही हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, यहाँ पर ऐसे देव बैठे हों जो समस्त पीरा का हरण करने वाले हैं, समस्त कष्टों का हरण करने वाले हैं। विश्वास हुआ कि नहीं कि यहाँ बैठे होते हैं कथा के अंदर? भाग्यशाली है जो विश्वास बनाए रखे हैं मन के अंदर। विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बहुत समझाया मंदोदरी ने रावण को, अरे जिनको साधारण समझ करके आप उनकी स्त्री का हरण करके ले आए हो, जिनके साथ आप लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए हो, वो कोई आम इंसान नहीं है, साक्षात भगवान है। बड़ा समझाया भगीशन ने, आप गलत कर रहे हो। और यहां तक कि महाराज कुंभकर्ण ने भी समझाया, लेकिन विपरीत बुद्धि विनाश काले। जब विनाश का समय आता है ना तो जीव को अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती। ये तो मेरे प्रभु की कृपा हो तब सत्संग की बातें अच्छी लगती हैं, प्रत्येक व्यक्ति को नहीं लगती। तुझे कोल होवे चिंता सतांदी नहीं, दुख भुख लाल चांदी मैनू परमौंदी नहीं। क्योंकि यहां बैठ करके जो जीव को मिलता है ना, वहां पर फिर लालच नाम की कोई चीज ही नहीं रहती। इतनी संतुष्टि हो जाती है, इतनी तृप्ति हो जाती है, जीव अंदर से इतना भर जाता है, ये अवगुण भी उसके अंदर से निकल जाता है। हस्ती तेरे जई होर कोई लब दीना, हस्ती तेरे जई होर कोई लब दीना, तैनु वेख वेख अख मेरी रज दीना, तैनु वेख वेख अख मेरी रज दीना, तैनु वेख वेख अख मेरी रज दीना। बस इको तेरी दीद नू मैं लोचदा, 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 तेरे बिना कुछ होर ना मैं सोचदा, तेरे सोचदा, तेरे बिना कुछ और ना मैं सोचदा, मेरी जान होने तेरे बिना बचदी ना, मेरी जान होने तेरे बिना बचदी ना। इतनी तड़प, महाराज कथा के आयोजक हैं नारद जी, कथा के आयोजक हैं नारद जी, और कथा के वक्ता हैं सनत कुमार जी, और सुनने वाले कौन हैं जानते हो? बड़े बड़े ऋषि मुनि, वशिष्ठ आदि, भृगु आदि, विश्वामित्र आदि, अत्रि अनसुया के तीन पुत्र दत्त, दुर्वासा, चंद्रमा आदि, बड़े बड़े ऋषि मुनि सुनने वाले कथा।
अपना सब काम काज छोड़ दिया। पहाड़ों में रहते हैं, कुंद्राओं में रहते हैं, हर पल भगवान का भजन करने वाले, यज्ञ तप होम आदि करने वाले, बड़े बड़े कार्य करने वाले, लेकिन जब निमंत्रण मिला ना नारद जी द्वारा, कथा है गंगा तट पर, कथा है महाराज सब अपना जप तप छोड़ करके कथा में आ रहे। किसी ने पूछा कथा में ऐसी क्या चीज मिलती है जो इतना जप तप करने वाले, इतने यज्ञ होम आदि करने वाले बड़े बड़े संत महापुरुष भी अपने स्थानों को छोड़ करके कथा के लिए आ रहे हैं। कथा का आनंद तो कोई, कथा का संपूर्ण समर्पित श्रोता ही इस कथा के आनंद को समझ सकता है। हर एक के बस की बात नहीं कथा के आनंद को समझना। यही तो स्थान है यहाँ बैठ करके, जब हम अपने शास्त्रों की कथाओं को सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवत नाम की कोई चीज है, भगवान नाम की कोई पावर है, सुप्रीम पावर, भगवान नाम की कोई सत्ता है, और वही मेरा श्रेय है, वही मेरा परम धैर्य है जिसको मैं भूल बैठा हूं। अंत काले नारायण स्मृति, सत्संग से जुड़ा व्यक्ति भगवत नाम से इस प्रकार जुड़ जाता है महाराज, और जिसके लिए कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही, ये सुलभ हो जाता है। अंत काल में उसकी स्मृति हो आती है, और जब उसकी स्मृति बन जाती है ना, फिर हमारे कल्याण से कोई हमें हटा नहीं सकता, परम शांति के आप अधिकारी बन जाते हो, प्रसन्नता के अधिकारी बन जाते हो, उद्धार के कल्याण के अधिकारी बन जाते हो। बड़ी सुंदर चर्चा करे थे हनुमान जी की, और मैं भी कथा में हनुमान जी को याद किए बिना रह नहीं सकती। मुझे लगता है कि हनुमान जी जैसा श्रोता और हनुमान जी जैसा वक्ता शायद ही इस संसार में कोई हुआ। और साधारण नहीं है महाराज, अभी अभी जिनके शुभ हाथों से ज्योति प्रज्वलित हुई, ध्वजारोहण की परंपरा को निभाया गया, आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, और इस कार्यक्रम के लिए आपका विशेष सहयोग रहा होगा, इसलिए सतगुरु सेवा समिति ने सोचा कि इन्होंने इतना सहयोग दिया इस ज्ञान यज्ञ के लिए, इस शुभ कार्य के लिए जिसका नाम पांच श्याम कन्हैया के नाम है, क्यों ना इनसे कोई शुभ कार्य करवाया जाए। ऐसा ऐसा सौभाग्य हर एक के जीवन में नहीं आता, लेकिन महाराज हम कितने भी बड़े धनवान हो, बुद्धिमान हो, बलवान हो, पर मुझे लगता है कि हनुमान जी के आगे हम कुछ भी नहीं है। अतुलित बलदामम हैम शेलावेदाम, अतुलित बल के दाम है हनुमान जी, अतुलित बल, इतना बल, बोले कितना बल है हनुमान जी, एक हाथी में जितना बल होता है, एक हाथी में
ऐसे ऐसे 10,000 हाथी इकट्ठे कर लो और 10,000 हाथी के अंदर जितना बल होता है उतना बल इंद्र का जो हाथी है एरावत, जिसका नाम एरावत है, जो समुद्र मंथन के समय निकला है, उच्चे श्रवा एरावत हाथी, उच्चे श्रवा तो घोड़ा निकला था, इंद्र का हाथी जो है एरावत, 10,000 एरावत हाथी का बल इकट्ठा कर लो तो एक इंद्र का बल बनता, इंद्र के अंदर इतना बल है। और कहते हैं कि 10,000 इंद्र का बल इकट्ठा कर लो तो इतना बल मेरे हनुमान जी की ये छोटी उंगली के अंदर है, इतना बल। अपने बल का अभिमान मत करना कि मैं तो बहुत बलवान हूं, हनुमान जी जितना बल किसी में नहीं है। और ज्ञानियों में ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जब ज्ञानियों की चर्चा आती है तो सबसे पहला नाम, सबसे आगे नाम अगर किसी का आता है तो वो हनुमान जी का आता है। और बल की महाराज आप सोचोगे कार्यक्रम तो 5 श्याम कन्हैया के नाम है, कथा हनुमान जी की चल पड़ी है। एक बात और आपसे कह दूं, ये सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। जैसी जैसी समय की जरूरत रही मेरा भगवान वही रूप धारण करके इस धरा पर आ गए। मुझे वो कहानी बड़ी अच्छी लगती है, संवाद हो रहा है अंगद का और रावण का। रावण ने कहा अंगद को तो किसका साथ दे रहा है, बात बड़ी सुनने की है, किसका साथ दे रहा है। वो दो तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, जिनको 14 वर्ष का वनवास मिला है, तापस भेष है जिनका, और नारी भी खो गई है जिनकी, उनका साथ दे रहे हो। और फिर उनकी सेना में देखो कौन कौन है, एक बेचारे जामवंत जी हैं जो वैसे ही बूढ़े हैं, वो क्या लड़ाई लड़ेंगे, और नल और नील वो तो बेचारे लड़ाई झगड़ा नहीं जानते, वो तो इंजीनियर हैं, वो तो एक कारीगर हैं, वो क्या लड़ाई लड़ेंगे, बाकी बचा कौन, तुम उनका साथ दे रहे हो। पर अंगद एक बात है, उस सारी सेना के अंदर, राम की सारी सेना के अंदर एक बंदर बड़ा खतरनाक, बोले एक बंदर बड़ा खतरनाक है, मैं नाम नहीं जानता उसका, पर इतना जानता हूं कि एक ही बार लंका में आया था और सारी लंका को स्वाहा करके चला गया, जला के चला गया। तो कहते हैं जब युद्ध होने लगा तो हनुमान से टक्कर हो गई रावण की। भगवान के नाम में कितना बल है जानते हो, इसको साधारण मत समझना। ये हनुमान जी के पास क्या था, क्या था, मेरे प्रभु के नाम का बल था उसके पास। जब टक्कर हो गई तो रावण ने कहा हनुमान जी को, मेरा मन कर रहा है कि पहले दो दो हाथ तेरे से ही कर लूं, क्योंकि तूने बहुत सताया। हनुमान जी बोले मैं तैयार हूं, बताओ।
रावण ने कहा कुछ ज्यादा नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, कुछ नहीं, एक एक मुक्के की लड़ाई होगी, एक मुक्का तुम मारोगे और एक मुक्का मैं मारूंगा। बोलो पवन सुत हनुमान की। हनुमान जी ने कहा कि एक काम करो, पहले आप मार लो मुक्का। रावण ने कहा नहीं नहीं पहले तुम मारो। हनुमान जी ने कहा मार लो, कहीं मुक्का मारने की ख्वाहिश दिल में ही ना रह जाए, मार लो। और कहते हैं कि रावण ने जैसे ही हनुमान जी को मुक्का मारा ना, रावण था कोई छोटा मोटा थोड़ी था महाराज, वो भी बस थोड़ा सा पथ से भ्रष्ट हो गया था, बल में वो भी कम नहीं था, विद्या में वो भी कम नहीं था, हर तरह से बहुत ही बहुत आगे था। पर व्यक्ति कितना भी आगे क्यों ना निकल जाए, अगर भगवान के मार्ग से वो जिस दिन हट गया, ना कोई बल काम आएगा, ना कोई धन काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। मुक्का मारा रावण ने हनुमान जी को जैसे ही, एक सेकंड के लिए, ज्यादा नहीं, एक सेकंड के लिए हनुमान जी का घुटना जो था वो जमीन पर लगा, लेकिन हनुमान जी तुरंत उठे। और उठने के बाद हनुमान जी ने कहा कि अब हो गया आपका काम। रावण ने कहा हो गया, पर शर्म आ रही है कि मेरे मुक्के से तेरे पर कोई असर नहीं हुआ, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। हनुमान जी ने कहा बाकी बातें बाद में, अब मेरी बारी। हनुमान जी ने मुक्का बांधा महाराज, और कहते हैं कि अगर कहीं हनुमान जी का मुक्का लग जाता ना रावण को, तो रावण बचने वाला नहीं था। मेरे कन्हैया ने एक गिरधर उठाया है, एक गिरिराज उठाया है, पर कन्हैया जब चलते हैं तो अपने एक एक रोम में एक एक पहाड़ को बांध करके चलते हैं महाराज, इतना बल है उनके अंदर। जैसे ही उन्होंने मुक्का बांधा और अभी मारने ही वाले थे, पीछे से ब्रह्मा बाबा ने आकर के हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया। हनुमत ये क्या कर रहे हो, आप तो अपने स्वामी की महिमा को करने के लिए इस धरा पर आए हो, अपने स्वामी की महिमा बढ़ाने के लिए यहां पर आए हो। मैं जानता हूं अगर आपका मुक्का रावण को लग गया तो रावण का गोविंदाय नमो नमः इसी वक्त हो जाएगा, राम नाम सत्य इसी वक्त हो जाएगा। पर जो इतनी बड़ी कहानी चली आ रही है वो सारी की सारा सब बदल जाएगा। और पकड़ते पकड़ते कहते हैं ब्रह्मा जी ने पकड़ते पकड़ते हल्का सा मुक्का रावण को छू गया, और एक सेकंड के लिए रावण भी वहां पर कहते हैं बेहोश हो गया। मेरा कहने का तात्पर्य कि कथा जो होती है ना, ये हमें कितना बल देती है, हमारा दृष्टिकोण बदलता है, हमारे विश्वास को पुख्ता करती है, हमें जीने का ढंग सिखाती है। और महाराज क्या बताऊं, नारद जी कोई मूर्ख नहीं है, वो केवल ब्रह्मवेता नहीं है, वो साक्षात भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, जिन्होंने भगवान को प्रसन्न करके वो जो वीणा बजाते हैं वो कहीं और की नहीं, भगवान की वीणा दी।
जिसको बजा करके नारायण नारायण करते रहते हैं। और कथा सुनने के लिए बड़े बड़े ऋषि महाऋषि तत्ववेता बड़े बड़े ज्ञानी वहां पर पहुंचे हैं कथा सुनने के लिए। आज मैं कह रही थी गौशाला में कथा कैसी है, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। एक बार नहीं कथा सुनने के लिए, बार बार कथा को सुनो, बार बार कथा को सुनो। बोले बार बार क्यों सुनना, बड़े साधारण साधारण से उदाहरण शास्त्रों के अंदर दिए गए। जिस प्रकार व्यक्ति कुछ दिनों के लिए अपना घर खिड़कियां दरवाजे बंद करके कहीं जाता है ना, और थोड़े दिनों बाद जब वो घर में आता है तो ये मत सोचना उसको घर साफ मिलेगा। कितनी भी खिड़कियां दरवाजे उसने बंद करके गया, पर कुछ दिनों बाद जैसे ही खोलता है महाराज, कहीं ना कहीं कूड़ा कचरा, कहीं ना कहीं धूल आपको मिल ही जाए। ये संसार सागर है, ये कलयुग की बहुत भयानक हवा चल रही है, और हमारी जे मन रूपी इंद्रियां आदि सदा इनके किवाड़ खुले ही रहते हैं, कभी बंद नहीं होते। हमेशा हम लोग ही बाहर रहते हैं, अंदर की तरफ तो कभी मुड़े ही नहीं। तो बोले जिस प्रकार संसार की हवा से कूड़ा कचरा अंदर भर जाता है, ऐसे महाराज कलयुग की हवा का प्रभाव, उसका कचरा हमारे भी अंदर भरता है। क्या करना है, बोले कुछ विशेष नहीं, मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ सतगुरु सेवा समिति पात्रा वालों को, जिनका ये उद्यम रहता है कि हमारे शहर में कार्यक्रम हो। सहयोग चंद लोगों का होता है, पर इसका उपयोग अगर तुम चाहो तो सारा क्षेत्र कर सकता है, लाभ अगर चाहो तो सारा क्षेत्र इससे ले सकता है। जाते जाते एक बार उनका आभार प्रकट करके जरूर जाना, कितनी भयानक परिस्थिति से उभर करके बाहर आए हैं, और आते ही भगवान ने ये सत्संग रूपी दिव्य प्रसाद हमारी झोली में डाल दिया। ये जीने का आधार है। आज जब हम देखते हैं ना लोगों की मानसिकता को, विचारों को पढ़ते हैं जब उनको, तो महाराज अपनी संस्कृति से, अपने सनातन से हम लोग बहुत दूर होते जा रहे हैं। पढ़ाई बहुत हो गई, एजुकेशन बहुत हो गई है, लेकिन सहनशीलता कम होती जा रही है, सहनशीलता खत्म होती जा रही है। घर के अंदर मुझे नहीं लगता कि प्रत्येक घर के अंदर रामायण होगी, प्रत्येक घर के अंदर गीता होगी, प्रत्येक घर के अंदर भागवत होगा। पर अगर हिंदू हो ना तो ग्रंथों को घर में रखिए, केवल रखना ही नहीं, डेली रात को भोजन के बाद सारा परिवार बैठ करके थोड़ा अध्ययन करे, और आपस में थोड़ा सत्संग भी जरूर करे। संयुक्त परिवार थे पर परिवार बिखरने लग गए। कारण क्या है,
कारण ये है कि सहनशीलता खत्म हो गई, संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। ये सत्संग हमें कभी कभी बहुत कुछ दे जाता है, इसको साधारण मत समझिएगा, ये प्रभु कृपा का प्रसाद है जिस पर मेरे प्रभु की कृपा होती है ना, ये उसी को मिलता है। ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख न रज्जा, लूलू दे मुंड लख लख चश्मे इक खोला इक कज्जा, ऐने वेखिया मैनु सबर नया वे ते मैं होर की दे बल पज्जा, मुर्शिद दा दीदार वे बाहू ते मैनु लख करोड़ा हज्जा। यहां बैठ करके आपको अपने आप से पहचान होने लगती है, पता चलता है कि जिस सत्ता के साथ मेरा अस्तित्व है वो मेरे अंदर ही है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अज्ञाने नामृतम ज्ञानम तेन मोहंति जंतवः, पर्दा पड़ गया है उसके ऊपर, पर्दा पड़ गया है। मैं कोई नई चीज नहीं बता रही आपको, बस आपको, क्योंकि 9 साल से मैं आपके बीच आ रही हूं, अब की थोड़ा समय 4 साल बाद आना हुआ, रिवीजन हो रही है, ये और कुछ नहीं। और महाराज सत्य को दोहराना पड़ता है, बार बार सत्य को दोहराना पड़ता है, क्योंकि हमारा स्वभाव है, भूल जाना हमारा स्वभाव है। इसलिए मैं उस भजन को पहले पूरा करूं, फिर मैं कथा में आगे बढ़ूं। तैनू वेख वेख आख मेरी रज दीना, तैनू वेख वेख आख मेरी रज दीना, तैनू वेख वेख आख मेरी रज दीना, कहां चले गए थे कल आप लोग? आज भी लेट आ रहे हो, सारे काम संसार के लेट कर लेना, पर जब सत्संग हिस्से में आए ना तो उसका एक पल भी गंवाना नहीं, एक क्षण भी उसका व्यर्थ नहीं। 8 बजे आकर के यहां बैठ जाओ,